Dear students of class 6, I am continuing my lecture on the chapter covered what are magnetic and non-magnetic materials and where the strength of the magnet is maximum. ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्टिविटी नंबर 6 बता रही हूँ. एक्टिविटी नंबर 6 131 पेज पे है आपके. ठीक है, जिसमें आपको एक फिगर भी दिखाई हुई है 13.12, दैट इज शोइंग हाउ यू कैन मेक योर ओन कंपास, कि तुम अपना कंपास, मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हो. दैट इज इन फिगर नंबर 13.12, मैग्नेटिक कंपास, हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास. दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 6. मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल. सबसे पहले क्या करना है, एक आयरन की नीडल लेनी है. ठीक है, आप लोग स्विंग पर्पसेस से भी यूज करते होंगे, कपड़े वगैरह मम्मा सिलती होगी, है ना. तो स्विंग नीडल की हमारी आयरन नीडल ही होती है. आप इस टाइप की कोई भी नीडल यूज कर सकते हो. ठीक है, मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. सबसे पहले बार मैग्नेट लेके आपने उस नीडल को मैग्नेटाइज कर लेना है. हाउ टू मैग्नेटाइज आयरन, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्नेट, किसी भी आयरन पीस को आप कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हो, कैसे एक मैग्नेट बना सकते हो. ठीक है, अब आपने उस नीडल को, उसमें पीस ऑफ आयरन था, इसमें सिर्फ आयरन नीडल है, तो फर्क इतना ही है. तो आपने क्या करना है, एक आयरन नीडल को लेना है और उसे बार मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटाइज कर देना है. अब इस मैग्नेटाइज नीडल को आपने पीस ऑफ कॉर्क में से पास ऑन करना है. ठीक है, पीस ऑफ कॉर्क लेकर, ठीक है, जैसे लकड़ी का गुटका सा होता है ना, ऐसे पीस ऑफ कॉर्क लेके उसके अंदर से आपने उस नीडल को पास ऑन कर देना है. Now let the cork float in water. आप इस कॉर्क को पानी के ऊपर फ्लोट करने दो, जैसे फिगर में देख सकते हो आपको. ठीक है, आपको दिखाया हुआ है एक कंटेनर के अंदर पानी है, पानी के अंदर आपका कॉर्क फ्लोट कर रहा है और उस कॉर्क के अंदर आपकी नीडल पास ऑन हो रखी है. ठीक है, let the cork float in water in a bowl or a tub. ठीक है, बोल या टब में पानी लेकर उस कॉर्क को आपने उसके अंदर फ्लोट कराना है. मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वॉटर. अब ये ध्यान रखना है कि जो नीडल है जिसे कॉर्क में से पास ऑन किया है वो आपको पानी को टच नहीं करनी चाहिए. नाउ योर कंपास इज रेडी. अब आपकी मैग्नेटिक कंपास बन गई. ठीक है, नोट दैट द नीडल ऑलवेज पॉइंट आउट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग. अब देखो, कॉर्क जो है आपकी पानी के ऊपर है, अब जब तक वो पानी थोड़ा थोड़ा हिलेगा तो वो कॉर्क भी हिलेगी, है ना, और उसी के अंदर नीडल है. लेकिन जब पानी स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, कॉर्क का रोटेट होना बंद हो जाएगा, तो आप क्या देखोगे, नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगी. ठीक है, इट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस इज योर मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपेल. ये मैं आपको वैसे कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में दोबारा लिखवा रही हूँ. When we bring the light poles of two magnet near each other, अगर आप कोई भी दो light poles को एक दूसरे के पास लेकर आओ, जैसे north north, ठीक है, या south south, तो they will repel each other. ये इधर को जाने की और ये इधर को जाने की कोशिश करेगी. They will repel each other, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. जैसे आपको इसने next activity में दिखाया हुआ है कि दो cars हैं, next page पे है. ठीक है, दो कार्स हैं. ठीक है, अगर आप उनके ऊपर ट्वाई कार्स हैं, ठीक है, ट्वाई कार्स हैं, उसके ऊपर आपने मैग्नेट लगा दी. ठीक है, मैग्नेट आप रबड़ वगैरह से भी बांध सकते हो ट्वाई कार के ऊपर, है ना. जैसे ये दिखाया हुआ है कि देखो, अपोजिट पोल जब एक दूसरे के पास लेकर आओगे, ये ब्लू पोर्शन है या ऑरेंज पोर्शन है, ठीक है, अपोजिट डिफरेंट कलर्स आर शोइंग डिफरेंट पोल्स. ठीक है, डिफरेंट कलर्स आर शोइंग डिफरेंट पोल्स. तो अगर अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास आए हैं तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो ये कारें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, सॉरी अपोजिट पोल अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ए और बी जो होंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एज देयर पोल्स आर डिफर, दे आर ब्रिंग टूगेदर, दे आर ब्रोट टूगेदर. एक में ब्लू है, एक में ऑरेंज है, तो अपोजिट पोल लेकर आओगे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. और अगर लाइक पोल्स, जैसे सी एंड डी में देखो, लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लाए हैं, ऑरेंज ऑरेंज, तो लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लेके आओगे, अभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, तो अगर
देखो हाउ टू मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से स्टोर, तो हाउ टू मैग्नेट मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म बाय हैमरिंग, उसके ऊपर आप हथौड़ी मारोगे है ना, हैमर करोगे, ड्रॉ फ्रॉम सम हाइट्स, ऊंची किसी जगह पे चढ़ गए और वहां से आपने मैग्नेट को नीचे फेंक दिया, ठीक है। और इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हमने उसे ठीक तरीके से स्टोर नहीं किया तो क्या होगा, मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिज्म, ठीक है, आगे बात समझ। तो मैग्नेट्स को ठीक तरीके से स्टोर करना जरूरी है और हैमरिंग वगैरह और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट्स ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म। अब हाउ शुड वी स्टोर मैग्नेट्स, तो मैग्नेट को स्टोर कैसे करते हैं, वी कैन स्टोर मैग्नेट्स बाय कीपिंग टू मैग्नेट्स इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, दो मैग्नेट्स लेनी है, दो मैग्नेट्स लेके उनके अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स मतलब जैसे ये नॉर्थ है ठीक है और ये साउथ है ऊपर वाला, तो नॉर्थ और साउथ को ऐसे रखना है, दो मैग्नेट्स को पेयर की फॉर्म में रखना है, ठीक है। वी कैन स्टोर मैग्नेट बाय कीपिंग टू मैग्नेट्स इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, एक का नॉर्थ हो तो दूसरे का साउथ हो, ठीक है, पेयर की फॉर्म में लेना मतलब जोड़ा लेना है, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड अनलाइक टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड, बाय टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, अब इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में सॉफ्ट वुड का पीस आएगा है ना, इसके बीच में क्या आएगा, एक पीस ऑफ वुड आएगा और दोनों एंड्स पे सॉफ्ट आयरन के पीसेस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो आप कह रहे थे ना कि ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं, देखो अपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, खींच रहे हैं ना, ये देखो अपने आप ही याद कीजिएगा, आप पकड़ोगे ना दोनों को तो अपने आप ही एक दूसरे की तरफ हाथ जाएगा, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अब लाइक पोल्स को लेके आओ साउथ साउथ कुछ नहीं हो रहा है ना, मतलब रिपल्सन है, एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, अभी आप लोगों को भी हाथ में दूंगी पकड़ने के लिए। तो वी कैन स्टोर मैग्नेट्स बाय कीपिंग द टू मैग्नेट्स इन पेयर, पेयर की फॉर्म में लेने हैं और अपोजिट पोल को एक दूसरे की तरफ रखना है, ठीक है, बीच में क्या आएगा, वुड का पीस, इन दोनों के बीच में वुड के पीस को लगाना है और ऊपर नीचे आयरन के पीस लगाने हैं, ऊपर नीचे आयरन के पीस और बीच में वुड का पीस, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड बाय टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, एंड्स lecture to have a better understanding. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.